हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंट्रीसाइड ट्रैवल्स में। तो इसी के साथ अब हम बीच पे पहुंच गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बच्चे बड़े पानी से निकल कर तो सर्फिंग भी चल रही है यार। बड़ा मज़ेदार माहौल है। कितने कम है यहाँ पे, देखो लोग हमारे इंडिया के बीच होते पैक होते हैं इस वक्त। यहाँ देखो कैसे घर बनाए हैं लोगों ने। यहाँ पे देखिए रेत के घर, महल है पर घर भी नहीं है। बच्चों को दिखाता हूँ मैं कैसे सर्फिंग की तैयारी कर रहे हैं। छोटे से ही चार चार पाँच पाँच साल के बच्चे हैं और अभी से इनके पेरेंट्स इनको जो सी का एडवेंचर है, पानी का एडवेंचर है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अपने डॉगी वॉगी के साथ सबके साथ यहाँ पे है। देखो पानी में डॉगी को भी नहीं भेजा है इन्होंने। इसी के साथ अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है, चलते हैं। इतनी नीचे से देखिए मछली पकड़ रहे हैं। देख मछली है भी, पता नहीं दिखा दे रही है यहाँ पे। बड़ा नेट वो पकड़ ली इन्होंने यार। है मछलियाँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मछलियाँ तो सेंट सेबेस्टियन आने के लिए आप या तो मिड्रिड से आ सकते हैं, वहाँ से ट्रेन और गाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी आपको, लेकिन ट्रेन वाला ऑप्शन थोड़ा सा बेटर और सस्ता होता है। और यहाँ पे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बिलबाओ, वहाँ पे भी आ सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए कोई स्टैचू है, कोई वॉरियर का, एक हाथ में तलवार है, पता नहीं क्या है ये, समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ इसको। अल ग्रान अलमरता डी अंटोनिया, ये भी स्पैनिश में लिखा है, मैं नहीं समझ पाऊँगा इसको कि क्या है ये। ये देखिए यहाँ पे स्टैचू, देखिए यहाँ पर इस वक्त बस चल रही है। इस वक्त जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसकी ग्रीन लाइट है, ये सामने भी ग्रीन लाइट है। मैं फटाफट निकल लेता हूँ। तो दोस्तों एक रेस्टोरेंट के बारे में पता चला है यहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट। तो मैप के हिसाब से वो ज़्यादा दूर नहीं दिखा रहा, 200 मीटर दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यही कहीं आसपास लोकेशन दिखा रहा है सर इंडियन रेस्टोरेंट की। तो बड़े दिन हो गए आज यहाँ पे जो स्पैनिश फूड है खा कर, तो थोड़ी सी हालत टाइट हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा यार कुछ इंडियन मिल जाए। और प्राइसेस तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं वो, तो यहाँ पे देखते हैं कितने होंगे यहाँ पे। ओला फ्रॉम स्पेन सभी दोस्तों को, और इस चैनल को देखने के लिए ग्राशियास। तो मैं पहले क्रॉस कर लेता हूँ इस लाइन को, और यहाँ पे भी है। लोकेशन जो है ये है बॉलीवुड इंडिया रेस्टोरेंट। लोकेशन तो यहीं भी दिखा रहा है कहीं, लेकिन पता नहीं चल रहा है यार कहाँ पे है। बड़ा ही मुश्किल है ढूंढना भाई। क्या ये है, पहुँच गए हम, ये है इंडियन रेस्टोरेंट। और ये है इंडियन रेस्टोरेंट, बॉलीवुड इंडियन रेस्टोरेंट। देखिए देखते हैं जाकर। तो इस वक्त मैं बॉलीवुड इंडियन रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। ये रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट को पाकिस्तान के दो नौजवान हैं वो चलाते हैं। और कल जब मोबाइल फ़ोन की शॉप में मैं गया था तो वहाँ पे भी मुझे अली भाई मिले थे, और वो भी पाकिस्तान ओरिजिन के थे। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो पाकिस्तान ओरिजिन के लोग ज़्यादा हैं, इंडियन मुझे अभी नहीं दिखे कोई यहाँ पे। तो यहाँ से मैं अभी ऑर्डर कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे पूरा मेनू है यहाँ पे बॉलीवुड इंडियन रेस्टोरेंट का। स्पाइसी करनी है, नॉन स्पाइसी। कितना टाइम हो गया आप लोगों को यहाँ पे? रेस्टोरेंट को हमें, हाँ आपको, आपको, हाँ आप लोगों को, रेस्टोरेंट को 10 साल। तो आप ही का ये, आप ही का है? आप कौन सी जगह से? पाकिस्तान में पंजाब से। पंजाब कौन सी जगह? गुजरात। अपना गुजरात वाला एरिया,
लाहौर के साथ ही है। नहीं मैं जानता हूँ बीच वाला एरिया आपका भी। चलो यार बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। तो ये है बिरयानी ऑर्डर की है मैंने, देखे यहाँ पे चेक करते हैं कैसा टेस्ट है इसका। थोड़ा सा बॉलीवुड इंडियन रेस्टोरेंट को मैं आपको दिखा दूँ। थैंक यू वेरी मच। इतना तो कर ही देंगे, कर ही दीजिए, अपना सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और अपने नाम बताइए और कहाँ से आप? अरबाब, मैं पाकिस्तान लाहौर से। अरबाब अरबाज या अरबाब? अरबाब अरबाब बी ए बी। अच्छा, कंट्री साइड ट्रैवल्स। अच्छा मेरे को बताइए कि आपका मतलब कैसे आना हुआ है यहाँ पे? फैमिली बेस्ड। फैमिली बेस्ड है? अच्छा पापा वगैरह थे यहाँ पे? तो आप तो पहले से हैं, तीन साल पहले क्यों आए? आप तो बहुत पहले आए। फिर तो आप यहीं के स्पेनिश ही बने? अच्छा चलो अच्छी बात है। तो कहाँ है, कहाँ है पापा? कहाँ होते हैं? सब इधर ही हैं। इधर ही सब? इधर आप सब आते हैं पूरा भी? तो नहीं, ये लाइक वर्कर हूँ इधर, बाकी फैमिली सब स्पेन में ही है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू, मज़ा आ गया बहुत यार। सबसे बड़ी बात कि अपने लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है यार। तो यहाँ पे जो आपके क्लाइंट है, क्या ये ज़्यादा स्पेनिश इंडियन वगैरह होते हैं? एशियन? अच्छा अच्छा, तो लोकल टूरिस्ट काफ़ी होते हैं जो इंडियन पसंद करते हैं? पाकिस्तानी इंडियन बहुत कम, बहुत कम। अच्छा यहाँ यहीं के लोग करते हैं पसंद? चलो अच्छी बात है फिर तो। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ब्रो, ठीक है ठीक है, थैंक्स थैंक्स। अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। हेलो, मैं इंडिया से। बढ़िया से, आप कहाँ से? पाकिस्तान से। अच्छा आप ही का तो नहीं है ये? अच्छा तभी मैं अंदर बात कर रहा था, मैं बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। कौन सी जगह से? आप भी लाहौर से? लाहौर और इस्लामाबाद, अलग अलग जगह से सब। एक गुजरात से है, एक इस्लामाबाद। गुजरात हमारी बहुत बड़ी सिटी है। हाँ मैं जानता हूँ, बीच वाली से ऐसी है, बीच वाली सिटी। हाँ मेरे को आइडिया है उसका। चलिए बड़ी, मैं इंडिया से हूँ, नॉर्थ इंडिया से, हिमाचल प्रदेश से। अच्छा अच्छा, नॉर्थ इंडिया हमारा ना जो पहाड़ों के साथ है, उस जगह से हूँ मैं। एकदम बढ़िया जी आपका गूगल। मैं दरअसल ऑर्डर करने लगा था खाना पहले ना, फिर मेरे को लगा नहीं अपने बंदे होंगे, कोई मिल के आते हैं एक बार, तो मैं यहाँ मिलने आया। बड़ा अच्छा लगता है ना अपने लोगों से मिल के। तो यार इतनी दूर से इंडियन रेस्टोरेंट आने का एक फ़ायदा हो गया कि लोग मिल गए, जैसे ये पाकिस्तान के बंदे हैं जो इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, इंडियन बॉलीवुड को, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया उन्होंने, फिर एडेड एडवांटेज हो गया। तो कुल मिला के ठीक रहा। और अब मैं चलता हूँ होटल की तरफ, और सुबह मुझे एक दूसरे रूरल टूर पे निकलना है। यहाँ पे गुरबाल्डिया जगह की जगह है, तो वहाँ के टूर पे निकलना है। तो सेंट सेबास्टियन की शाम मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एकदम से अंधेरा होने लग पड़ा है, और सुबह जब मैं 8 बजे उठा था तो अंधेरा अंधेरा सा था, 7:30 तो बिल्कुल ही अंधेरा था। और पहले क्रॉस कर लेता हूँ इस लाइन को। तो पैर भी थक चुके हैं मेरे, चलना मुश्किल हो रहा है। अब सीधे ही बस मिलती है तो बस पकड़ के होटल की तरफ निकल लूँगा, या फिर ये देखिए यार इतना बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा है। तो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के मैं यहाँ पे, जो लोकल वाईफाई सर्विस है वो फ्री है काफ़ी सारे एरियाज़ में, तो उसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। अब जैसे मुझे बस स्टॉप देखना है और अपने होटल के लिए बस पकड़नी है, तो बीच में नेट बंद हो रहा है और लोकेशन ऑफलाइन मैप से भी मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं भटक सा रहा हूँ। यहाँ पर बस स्टॉप तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा अच्छे सा माहौल है यहाँ पे,
फ्राइडे नाइट भी है और हाँ फ्राइडे है और शायद कल छुट्टी होती है इनको, और सभी पार्टी मूड में है यहाँ पे कैफे रेस्टोरेंट्स, या फिर मुझे लगता है कि शायद रोज़ ही इनका पार्टी वाला मूड होता है और रोज़ ही यहाँ पे कैफे रेस्टोरेंट्स, और लोग भी बाहर आकर खाना पसंद करते हैं, ये कुछ नहीं यहाँ पे इस टाइम पे रश रहता ही रहता है। अभी भी मुझे लोकेशन जो मैप की है वो सही नहीं दिखा रही है, इसलिए आगे ही चलते हैं कहीं देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डस्टबिन होते हैं, तो जो आस पास के लोग हैं रेजिडेंट्स वाले, तो यहाँ पे आके अपने कूड़े को फेंकते हैं, और जो यहाँ की MC होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जो भी इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे गाड़ियाँ उठा के निकल जाती हैं और इसी तरह से सफाई बनी रहती है। अब तो समझ नहीं आ रहा कहाँ पहुँच गया मैं, यहाँ तो बाहर वाले एरिया में आ गया हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं बस स्टेशन ढूंढ रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि जो होटल वाला जो मेन हाईवे है वो रोड है वहीं पर पहुँच चुका हूँ मैं, और यहाँ से मोटे उलिए ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है, माहौल में मज़े कर रहे हैं। तो यार अभी देखिए टाइम 8:30 हुए हैं, तो एकदम से जो यहाँ के रिहायशी वाले इलाके हैं एकदम से खाली हो जा रहे हैं, जो तो पीछे मार्केट वाले एरिया है वहाँ पे थोड़ी चहल पहल बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिए रेजिडेंशियल एरियाज है, लोग आपको पैदल चलते हुए कोई भी नहीं दिखेगा, गाड़ियाँ बेशक चल रही हैं इस वक्त सब जगह, लेकिन लोग बिल्कुल गायब। और जो मैं लैंडमार्क अपनी जो होटल है अपने होटल को लेकर चलता हूँ, तो एक फुटबॉल खेलते हुए एक मैदान आता है, मैं दिखाऊंगा आपको, और उसी के बेस पे मेरे को आइडिया लगता है कि मैं पहुँचने वाला हूँ। तो चलो अच्छा एक्सपीरियंस है यार नई जगह, वरना इजी तो ये होता कि मैं टैक्सी करता और मिनिमम 5 यूरोस प्लस मीटर बेस्ड जो बिल आता है वो लगभग 10 यूरो पहुँच ही जाता है, उसके बजाय थोड़ा सा शहर देखने को मिलता है पैदल चलकर। फर्स्ट जब मैंने टैक्सी की थी तो टैक्सी में मज़ा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल सीधे रोड है और डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है तो आप 5-6 मिनट में पहुँच जाते हो। तो ये देखिए यहाँ पे कैसा भी फुटबॉल चल रहा है रात में, बस मार्केट्स यहाँ पे खाली हो जाती हैं, बाकी जो हलचल है वो चली रहती है। तो दोस्तों आज का दिन समाप्त होता है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, 12-15 अब तो 15 किलोमीटर ही हो गए, 4 किलोमीटर अभी चल चुका हूँ मैं, 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मेरी तो हवा टाइट हो गई है, अब आराम से लेटूंगा सोऊंगा और फिर सुबह जल्दी उठना है, 8:30 का टाइम है, और जो बस पिक करेगी और फिर वाइन टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ गुरबैल दया, जगह का नाम प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है यहाँ। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। Between a rock and a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once. Yeah,